प्रदेश के कई शहरों में मौसम की मार देखने को मिल रही है। कहीं बेहिसाब बारिश ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया तो कहीं चटकती हुई चट्टानों ने रास्तों को बंद कर दिया है। कई सड़कें समुद्र जैसी बन गईं, तो कई शहरों में सैलाब आ गया। कुदरत की ऐसी मार है कि कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं नैनीताल के रामनगर की, जहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पुलिस चौकी भी सैलाब में डूबती नजर आई। वहीं पुलिस कर्मियों को भी अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीती देर रात से लगातार हुई बारिश ने रामनगर के आसपास स्थित कई ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर तबाही मचाई, जबकि कई इलाके इस बारिश की वजह से जलमग्न हो गए, तो वहीं कई किसानों की धान की फसल भी पूरी तरह चौपट हो गई। वहीं रामनगर के आसपास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों ने क्षेत्र के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि गांव में बने स्टोन क्रशर की वजह से ये बारिश का पानी आबादी की ओर रुख कर रहा है, जिसे लेकर कई बार धरना प्रदर्शन करने के साथ ही अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज पूरा शहर जलमग्न हो गया है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि जल भराव के चलते उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। हमने शासन प्रशासन को कितनी बार यहां पर लिख के भी दे दिया है और उसके बाद धरना प्रदर्शन करके भी बता दिया कि साहब हमारे को जो है यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम है। ये हमारे पहले हमको यहाँ पर कम से कम 10-20 साल के करीब यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन इस स्थिति ऐसी स्थिति जो है कभी नहीं आई थी जिस प्रकार की स्थिति आज यहाँ पर आ रखी है। और ये खास करके कारण क्या है कि यहाँ पर जो है स्टोन क्रशर लग रहे हैं चारों तरफ से, आप देख सकते हो दाहिने बाएं पूरे स्टोन क्रशर लग गए हैं। स्टोन क्रशर की दीवारों की वजह से यहाँ पर जो है पूरा पानी का बहाव हमारे इधर की जो है गाँव की तरफ की जो है पूरा हो गया है। हमने जो है अपनी तरफ से पूरी जहाँ तक भी हो सकता है सबको बताया, लेकिन कोई हमारी सुनाई जो हमारी जो हमारे बारे में कोई सुन नहीं रहा है। इसके बारे में अभी घर में जो है उच्चतम न्यायालय ने भी हमारे को जो है पूरा इस पर रोक लगा दिया है, लेकिन फिर भी जो है इसके बावजूद भी इस पर काम जो है जारी है अभी भी। अब ये काम किसके माध्यम से चल रहा है इसके बारे में जो है या तो सरकार जाने। सर बारिश से नुकसान तो अक्सर कोई नाला है तो नाला बेहतर रहता है, मान लीजिए बारिश पड़ती है तभी बहाएगी। काफ़ी टाइम से मतलब 15-16 दिन में जो बारिश पड़ रही है 15-16 दिन से तभी बहना शुरू हुआ है। आज पानी काफ़ी ज़्यादा था, आज घरों में पानी घुस चुका है, हाँ दुकानों में पानी घुस जाए, हाँ नुकसान हुआ है, मकान पर दरार भी आ रही है। और सर ये क्या कहते हैं जो नाला है ये हमेशा करीब सन 2001 से ये नाला बना हुआ है जिसकी सफाई नहीं होती है। अभी एक साल पहले सफाई हुई थी, इसमें JCB से करवाई थी, वो भी जब बारिश पड़ती है तब कराई जाती है सफाई। ठीक है, नाला है ये हमेशा चौक रहता है, आप कभी देखें। अब जब ये बरसात रुक जाएगी आप उसके बाद देखिए, नाला हमेशा चौक रहेगा और हमेशा गंदगी से भरा रहेगा। इस नाले की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, बाकी आम नालों पे सब ध्यान रखते हैं। वहीं संबंध में SDM गौरव चटवाल ने बताया कि जिन क्षेत्रों में नुकसान की सूचना मिली है वहां का आकलन कराया जा रहा है, जिसके बाद नियमानुसार मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामनगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।